हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्नो यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता है कि फेसबुक ओपन करने के तीन तरीके होते हैं। पहला तो आपको बताऊं कि ईमेल आईडी से आप अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन कर सकते हैं। सेकंड, कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो तीसरा तरीका है वो शायद बहुत कम ही लोगों को बताओ कि अपनी आईडी कैसे लॉगिन करें। तो ये तीसरा तरीका यूजर नेम का आता है। दोस्तों, जितने भी लोग फेसबुक आईडी चलाते हैं उन सबके फेसबुक आईडी में एक यूजर नेम होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी नहीं पता होगा शायद कि यूजर नेम किस जगह होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि वो यूजर नेम किस जगह होता है और उससे आप अपनी आईडी कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जाने की यूजर नेम से भी अपनी आईडी कैसे लॉगिन करें तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का भी ऑप्शन दिख रहा होगा रेड कलर का, उस पर प्रेस करें। उसके बगल में बेल का आइकन दिख रहा हो उसको भी प्रेस कर दिए, ताकि अगर मैं ऐसी नई वीडियो और आपके लिए लाता रहूं तो आपकी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए चलिए आज की वीडियो शुरू करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस फोन का जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं यूसी ब्राउजर पे जाता हूँ, वहां पर अपनी आईडी लॉगिन करूंगा फेसबुक की, वो भी यूजर नेम से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अब यूसी ब्राउजर में आ चुका हूं, यहाँ पे फेसबुक ओपन हो रखा है। तो लॉगिन अनदर अकाउंट। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं अपना ईमेल आईडी और नंबर नहीं डालूंगा, अपने यूजर नेम से अपनी आईडी खोल के दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें मैंने अपने यूजर नेम डाल दिया और पासवर्ड भी डाल दिया। तो आपको अगर लगता है कि इससे अगर आप फेसबुक अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इससे भी आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो सकता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे अभी मेरे से दो ऑप्शन पूछ रहा है, पासवर्ड सेफ का और अनसेफ का। तो डोंट सेफ पे मैंने कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं, इससे मेरी आईडी लॉगिन हो चुकी है और नॉट नाउ फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये मेरी आईडी अंकित रॉय के नाम से आया, आप देख सकते हैं कि ये मेरे यूजर नेम से लॉगिन हो चुकी है। अब मैं दोस्तों आपको ये बताऊं कि ये यूजर होता कहाँ है और आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मैं मेन्यू पे जाता हूं। तो मेन्यू पे आपको फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको उन सब ऑप्शन पे नहीं जाना। जो फर्स्ट नंबर पे आपको आपकी प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस ऑप्शन पे जाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं अपनी प्रोफाइल पे गया हूँ। यहाँ पे अंकित रॉय की मेरी प्रोफाइल है और ये मेरी फेसबुक आईडी भी है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा अबाउट का। तो फ्रेंड्स, हम अबाउट के ऑप्शन में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अबाउट के ऑप्शन में जाते हैं, अगर आप फेसबुक लाइट से ओपन करते तो वहां पे आपको यूजर नेम आपका नहीं दिखेगा। आपको यूसी या क्रोम किसी और वेबसाइट पे जाके अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी, वहां से आपका यूजर नेम दिख सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपने अबाउट पे गया हूं, यहां पे आप मेरे को बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहां पे बीच में जो फेसबुक का ऑप्शन है उसके सामने मेरी यूजर नेम दे रखा है अंकित स्मार्ट बॉय के नाम से। तो फ्रेंड्स, पहले मेरा यूजर नेम कुछ और था तो मेरे को वो पसंद नहीं आता, तो मैंने उसको चेंज करके अंकित स्मार्ट बॉय डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि आप अपना पसंदीदा यूजर नेम कैसे डालें तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूं कि अपना यूजर नेम कैसे डालें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता चल गया कि हाँ, यहाँ पे यूजर नेम होता है, ये मैंने अपना यूजर नेम डाल रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये पता चल चुका कि आप अपने यूजर नेम से भी कैसे आईडी खोले, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जाके बता दीजिए कि अगर आपको अपने यूजर नेम चेंज करना है तो मैं उसके लिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।